इस वीडियो विच असी क्लास प्लस वन दे चैप्टर सिक्स लीनियर इनक्यूशन दे टॉपिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्यूशन इन वन वेरिएबल बारे डिस्कस करांगे। इस वीडियो विच असी एग्जांपल च डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सब तो पहली साडे कोल एग्जांपल आ सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनक्यूशन। साडे कोल दो इनक्यूशन देतियां, वन इज एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो एंड सैकेंड इज थ्री एक्स लैस दैन 18। तो असी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, किस तरीके सोल्यूशन फाइंड आउट करांगे असी देखते हैं। सब तो पहला असी फस्ट नूं सॉल्व करांगे, एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो सपोज विच इज़ नंबर वन, तो की लिखांगे असी इस नूं माइनस दे टू आ, लैफ्ट टू राइट हैंड साइड चेंज करांगे जीरो प्लस टू, इट मीनस एक्स ग्रेटर दैन टू। एक्स ग्रेटर दैन टू का की मतलब हो गया, टू तो इनफिनिटी। द सोल्यूशन ऑफ वन, वन का सोल्यूशन की आ, टू तो इनफिनिटी। टू तो इनफिनिटी किमें आया, असी इस नंबर लाइन के राही समझा, जीरो वन टू प्लस द इनफिनिटी माइनस द इनफिनिटी। एक ही कह रहा जिहड़ियां एक्स दियां वैल्यूज़ ने टू तो ग्रेटर है, टू तो ग्रेटर की होणगियां राइट हैंड साइड होणगियां। ओके, राइट हैंड साइड की आनगियां, थ्री फोर फाइव सिक्स इदां दे नंबर आणगे, बट इत इक्वल द साइन नहीं, इट मीनस ये नंबर इनवॉल्व नहीं, ये सारे नंबर इनवॉल्व ने, तो इसमें असी लिखांगे टू कोमा इनफिनिटी। ओके, नैक्सट असी सॉल्व करते हैं सैकेंड पार्ट, थ्री एक्स लैस दैन 18, ये नंबर सपोज सैकेंड आ साडे कोल, तो असी की लिखांगे थ्री इस नाल की हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा एक्स दे नाल, तां कादे च कन्वर्ट हो जू, ये 18 डिवाइड बाई 3, एक्स की वैल्यू की आ गई लैस दैन 6। जेकर मैं इसका सोल्यूशन सैट लिखूंगा, सोल्यूशन की आजू, इसका सोल्यूशन ऑफ टू इज की आजूगा 6 तो लैस, 6 तो लैस मीनस 5 माइनस 3 माइनस 10 इदा दियाँ वैल्यूज आन गई माइनस इनफिनिटी टू 6। असं इस नंबर लाइन के राही समझ सकते हैं, 0 1 2 इधर 6 होना, इधर माइनस इनफिनिटी आ, इधर प्लस द इनफिनिटी आ। ये कह रहा जिहड़ियां एक्स दियाँ वैल्यूज ने लैस दैन 6 तो, 6 तो लैस मीनज लैफ्ट हैंड साइड माइनस इनफिनिटी तो स्टार्ट होकर एक खुद इनवॉल्व नहीं होना, तो ये सारे आंसर थोड़े सोल्यूशन दे। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये फस्ट का सोल्यूशन सी एंड ये सैकेंड का सोल्यूशन, दो सोल्यूशन असी फाइंड आउट कर ले। नाउ जिहड़ा असी फाइनल साडा सोल्यूशन आऊगा वो इन्हां दोवें का कॉमन एरिया आऊगा, जिहड़ा कॉमन एरिया आऊगा वह इस दोवें गिवन इक्वेशन का की होगा, सोल्यूशन होगा। जिहड़ियां साडे कोल गिवन इक्वेशन ने इन्हां दोवां का सोल्यूशन होगा, तो किवें फाइंड आउट करना, सोल्यूशन ऑफ गिवन इनक्यूशंस। ओके, किवें फाइंड आउट करना सी, तो की करांगे असी नंबर लाइन के उत्ते रिप्रजेंट कर लेने समझन दे लई। नंबर लाइन ड्रा की, सब तो पहला असी 1 2 6 तक नंबर ने 6 तक लिख ले, माइनस इनफिनिटी एंड प्लस द इनफिनिटी। ओके, तो फस्ट पार्ट कह रहा सी सानू 2 तो ग्रेटर वैल्यूज, टू नहीं इनवॉल्व करना, ग्रेटर वैल्यूज राइट हैंड साइड में सारिया वैल्यूज आ जानिया सी। ओके, सैकंड कह रहा सी सानू 6 तो लैस, 6 नहीं इनवॉल्व करना, 6 तो लैस वैल्यूज, तो इन्हों का कॉमन पार्ट की आ। देखो ये कह रहा सी इधर नू, मैं दोबारा एक लाइन ड्रा करदा, ये लाइन इधर नू, ये लाइन कह रही सी इधर, तो कॉमन पार्ट की, इन्ना पार्ट कॉमन आ गया, तो सोल्यूशन की आ गया 2 तो 6 तक, सोल्यूशन की आ गया 2,6 इन ओपन ब्रैकट, ओपन ब्रैकट ता लिखिया बिकॉज 2 एंड 6 इनवॉल्व नहीं सके। ओके, तो इसमें मैं एक होर तरीके भी लिख सकता सी, एवें भी लिख सकते सी असी कि 2,∞ इंटरसैक्शन माइनस इनफिनिटी टू 6। इंटरसैक्शन ही लिखनी है ना असी, बिकॉज असी कॉमन पार्ट की गल कर रहे हैं, तो इन्हों के कॉमन की आना सी, ये 6 तो माइनस इनफिनिटी तो 6 आ, यह की है 2 तो इनफिनिटी आ, तो की आ जाना सी 2 तो लैके 6 तक। अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल होर डिस्कस करते हैं। सैकेंड एग्जाम्पल साढ़े कोल गिवन आ, पहला की गिवन आ साढ़े कोल 2x माइनस 7 ग्रेटर दैन 5 माइनस एक्स एंड सैकेंड की आ 11 माइनस 5x लैस दैन और इक्वल टू 1, तो इसमें सॉल्व करते हैं असी। फस्ट पार्ट साढ़े कोल 2x माइनस 7 ग्रेटर दैन 5 माइनस एक्स, तो सब तो पहला असी एक्स वाले वन साइड कर लेंगे और विदाउट एक्स वन साइड कर लेंगे, माइनस दे एक्स प्लस दे एक्स च हो गए, ग्रेटर दैन 5 माइनस दे 7 प्लस दे 7, 3x ग्रेटर दैन 12 द
दैन एक्स की वैल्यू की हैगी ग्रेटर दैन 12/3 इट मीन एक्स की वैल्यू कि हैगी ग्रेटर दैन 4 जिसनों मैं नंबर लाइन के उत्ते रीप्रजेंट करूँगा 0, 1, 2, 3, 4 प्लस द इनफिनिटी माइनस द इनफिनिटी 4 तो ग्रेटर कह रहा इट मीनज राइट हैंड साइड तो ये थोड़े को सारा सोल्यूशन आ गया ओके 4 नूं असीं इनवॉल्व नहीं करांगे बिकॉज ये ग्रेटर दैन दा साइन है तो इसका सोल्यूशन आ गया 4 to infinity अंडरस्टैंड नैक्सट की है साढ़े को 11 - 5x लैस दैन और इक्वल टू 1 तो पहला -5x एज इट लिख ले लैस दैन और इक्वल टू 1 - 11 तो की आ गया -5x लैस दैन और इक्वल टू -10 हम कई बच्चे इतने माइनस नाल माइनस कैंसल कर देंगे 5x लैस दैन और इक्वल टू 10 लिख देंगे जे बच्चे इस तरीके नाल करनगे तो की हो जाऊ इतने रोंग आ ये गलत आ तो याद रखना इनक्वैलिटी वेले जेकर बोथ साइड माइनस आ जाती है तुसी माइनस नू कैंसल कर रहे हो तो इनक्वैलिटी का साइन की होजू चेंज हो जूगा चेंज मीनस इन उल्टा के लिख दो पहला लैस का सी हुण ग्रेटर दैन और इक्वल टू का लिख देना तो एक्स की वैल्यू की आजू इतों कैंसल करके 2 ये की कह रहा वैल्यू की होगी 0, 1, 2 तो ग्रेटर एंड 2 खुद भी इनवॉल्व होगा ओके सारे आंसर आ जाऊ यदा कि ब्रैकट ना लिखेंगे 2 (2)-2 (∞ ओके दैन असी लिखना सोल्यूशन इसका सोल्यूशन असी कंबाइन करके नहीं लिखते असी कि सोल्यूशन लिखते हैं इन्हों का इंटरसैक्शन जोड़ा पार्ट वो सोल्यूशन असी डिफाइन करते हैं असी इंटरसैक्शन समझने लिए इसमें नंबर लाइन के उत्ते रीप्रजेंट करने हैं फस्ट पार्ट की कह रहा साढ़े को 4 to greater 2, 3, 4 खुद इनवॉल्व नहीं सी बट 4 तो ग्रेटर सारिया वैल्यूज आ गई सैकेंड पार्ट सानू कह रहा भी 2 भी इनवॉल्व सी एंड 2 तो ग्रेटर सारिया वैल्यूज आ गई ओके इस तरह का पार्ट तो यह सारा पार्ट ओके ये सारा पार्ट कह रहा सानू असी कि पार्ट लिखना उन्होंने कॉमन पार्ट तो कॉमन पार्ट की आजू वो कि आजू साढ़े को 4 to infinity ओके तो 2 साढ़े को भावें इतने क्लोज्ड ब्रैकेट के बट सानू इतने जो असी आंसर लिखे इन्हों का इंटरसैक्शन करके सानू इस 2 की लोड़ नहीं पी असी जस्ट 4 तो स्टार्ट किया जो असी यह भी लिख सकते 4, intersection 2 (closed) ( infinity ओके तो इस तरीके असी लिख सकते हैं यह साडा आंसर आ गया अंडरस्टैंड